Hello viewers, a warm welcome to all of you. Welcome to the Unacademy platform. जैसा कि आप सभी को पता है, Unacademy ने महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए बैच स्टार्ट किया है. आई एम योर फिजिक्स ट्यूटर. माई नेम इज़ यश त्रिपाठी, पास आउट फ्रॉम IIT कानपुर, एंड आई एम द फिजिक्स एक्सपर्ट हियर. मेरा जो स्पेशलाइजेशन है बेटा, वो IIT JEE नीट साथ साथ सम स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन लाइक MST CET के लिए रहा है. और लेट्स क्रैक MST CET विद इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, दैट इज नन अदर देन Unacademy. सो गाइज, यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन प्लान का हिंट दिख रहा होगा. अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं, जो कि इसके बेनिफिट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखे हैं, अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं देन यू विल बी गेट लॉट ऑफ बेनिफिट. लाइक आपको लाइव डाउट क्लासेस मिलेगी, टीचर के साथ वन ऑन वन इंटरेक्शन रहेगा, क्विजेज रहेंगे, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है पोल. आपको पोल भी मिलेंगे. सो लेट्स क्रैक MST CET वन अगेन विद इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म. आपको कैसे हमसे जुड़ना है? यहाँ पर आपको Unacademy लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है अपने प्ले स्टोर पर जाकर और इंस्टॉल करना है. सिंपल सा प्रोसीजर है. इट इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली. पूरी मैनेजमेंट टीम आपके साथ होगी, साथ साथ फैकल्टी स्टाफ आपके साथ होंगे. कहीं पर भी आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. एंड नो वंडर टू से दैट देयर आर द 3 लैक्स यूजर्स. इट्स अ प्रीवियस डाटा. इट्स डेटा नियरली 5 to 6 months ago data. It's nearly 3 lakhs user of Unacademy and with a rating of 4.5. So you guys, you may imagine about Unacademy platform. क्या है Unacademy platform? कितने लोगों को हमने satisfy किया है with a very high rating. So आपको हमारा Telegram channel पर भी जाना है, Telegram channel को subscribe करना है, ताकि जो भी लेक्चर नोट्स आपको मिलते हैं उसकी PDF आपके पास अवेलेबल रहे. ठीक है? सो दीज आर द सम लिस्टिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन प्लान. एक बार आपको समझा देता हूँ. ओके, अगर आप बेटा 1 month का प्लान लेते हैं देन इट विल बी कॉस्ट एट 1499 rupees पर मंथ. 1 month के लिए प्लान होगा ये. अगर आप आई विल रिकमेंड, अगर आप क्लास आई विल रिकमेंड यू, अगर आप क्लास 11th में हैं या फिर क्लास 12th में हैं, देन आप अगर क्लास 12th में हैं तो आपको मैं 12 month का प्लान सब्सक्राइब करने के लिए बोलूँगा. अगर आप क्लास 11th में हैं देन आई विल रिकमेंड यू 24 month का प्लान आप परचेज कीजिए, ताकि एक कंटिन्यूस फ्लो बना रहे. एंड इट विल बी कॉस्ट नियरली 21,000 rupees ओनली. आप अगर मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं Yash1, आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलेगा. सो लेट्स बिगिन अवर सेशन. हम लोग रोटेशनल मोशन पढ़ रहे थे, तो रोटेशनल मोशन को मैं आगे बढ़ाता हूँ. वॉट इज़ रोटेशनल मोशन? तो जितना जितना अभी तक मैं बता चुका हूँ, एक बार मैं इस चीज़ को समअप करता हूँ, फिर मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आता हूँ. तो गाइस, होता क्या है, कई बार ऐसा होता है कि बॉडी, मान लीजिए आपकी, ये आपकी कोई भी बॉडी है, आप इसका सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर है, इधर है. अगर आप इस बॉडी पर एक फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में, तो ये बॉडी क्या करेगा बेटा, रोटेट भी करेगा और आगे भी जाएगा. सो देयर आर द 2 types ऑफ मोशन. यहाँ पर ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा और यहाँ पर रोटेशनल मोशन भी होगा. ये रोटेट भी करेगी और आगे भी जाएगी. यहाँ पर क्या होगा बेटा, रोटेशनल मोशन भी होगा. तो ये दोनों ही मोशन का कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. तो एक बार की मैंने बात बताया था कि मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज क्या होते हैं और किन किन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं. तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं बेटा कौन कौन से, एक तो आपका होता है इनर्शिया एट रेस्ट, एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, और एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. अभी मैं जो बात करूंगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, वो मास पर डिपेंड करता है. इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, वो मास के साथ साथ मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर भी डिपेंड करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया.
हम लोगों ने इसके बाद पहले थोड़ी सी चर्चा की थी कि कहाँ पर फोर्स लगेगा और किस तरीके से बॉडी में मोशन आएगा। फिर हम लोगों ने बात की थी हमें इनर्शिया की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों ज़रूरत पड़ेगी आपको समझ में आ रहा होगा। इसको हम लोग बोलते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब बात करता हूँ मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की, ये कैसे बनता है और कैसे कैसे इसमें चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हम लोगों ने बोला था कि अगर मैं पॉइंट मास, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सेकेंड मूवमेंट ऑफ मासेस, इट इज़ नोन एज सेकेंड मूवमेंट ऑफ मास, सेकेंड मूवमेंट ऑफ मास इज नोन एज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की तो आप लिख सकते हैं आई इक्वल टू क्या है बेटा, सेकेंड मूवमेंट ऑफ मास। फर्स्ट मूवमेंट नहीं है, फर्स्ट मूवमेंट से आपका क्या आता है, सेंटर ऑफ मास आता है। सेकेंड मूवमेंट ऑफ मास इज नोन एज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस विल बी द डेफिनेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। सो गाइज, कैसे निकालेंगे हम लोग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले मैंने बात की किसकी, पॉइंट मास की। तो अगर मैं पॉइंट मास की बात करता हूँ तो पॉइंट मास के सिस्टम के केस में क्या होगा, मान लेते हैं ये एक मास है अपना, ये मास मान लेते हैं कैपिटल एम मास है। इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से, मैं मान के चलता हूँ इसकी डिस्टेंस है आर। ठीक है, कैपिटल एम मास है, इसकी डिस्टेंस है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हम लोग लिखते हैं, मान लेते हैं वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वाई वाई। तो हम लोग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखेंगे बेटा, आई वाई वाई एक्सिस से पास होने वाली आई अबाउट पॉइंट ओ, मान लेते हैं ये वाई वाई एक्सिस किस पॉइंट के अबाउट पास हो रही है, ओ पॉइंट के अबाउट। तो कैसे लिखते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सबसे पहले लिखते हैं एक्सिस, कौन सी एक्सिस से ये हमको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले लिखा बेटा मैंने एक्सिस। अब जिस ये एक्सिस एक पर्टिकुलरली एक पॉइंट से पास हो रही होगी, क्यों, क्योंकि वाई वाई एक्सिस तो बेटा बहुत सारी हो सकती है, ये भी एक वाई वाई एक्सिस है, ये भी एक वाई वाई एक्सिस है, ये भी एक वाई वाई एक्सिस है। वाई वाई एक्सिस कितनी हो सकती है, देन आंसर इज इनफाइनाइट वाई वाई एक्सिस हो सकती है। लेकिन वो वाई वाई एक्सिस जो कहाँ से पास हो रही हो, ऑरिजिन से पास हो रही हो या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही हो, वो वाई वाई एक्सिस हमें ढूंढनी है। ठीक है, तो इसके अबाउट अगर मुझे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा बेटा, अगर पॉइंट मास होता है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है एम इंटू आर स्क्वायर। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर क्या है बेटा, दिस आर विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आर जो है वो कोई ऐसा वैसा आर नहीं है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर मैंने बोला मोर देन वन पॉइंट मास होते हैं तो पॉइंट मास का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने निकाल लिया। पॉइंट मास का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम इंटू आर स्क्वायर। अगर मोर देन वन पॉइंट मास है, सपोज कीजिए ये आपकी एक्सेस है, ये आपकी एक्सेस है, ये एक्सेस है बेटा वाई वाई एक्सेस, ये पास हो रही है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ए से, मान लेते हैं कोई भी। तो मैं इस एक्सिस के अबाउट अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाहता हूँ, एक मास ये है, एक मास ये है, एक मास ये है, एक मास ये है, मतलब इस बार मैं मोर देन वन पॉइंट मास लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अगर आप ऐसे केसेस की बात करेंगे तो आपको सारे मासेस की, किसकी, सारे मासेस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। ये है मान लीजिए एम वन, तो ये है आर वन, ये है मान लीजिए एम टू, ये वाला मास है कितना बेटा एम टू, तो ये डिस्टेंस है आर टू, ये डिस्टेंस है आपकी एम थ्री, तो ये कितनी हो जाएगी बेटा आर थ्री। ठीक है, सारे मासेस की परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस आपको चाहिए। तो ये हो जाएगा मान लेते हैं एम फोर, और ये है डिस्टेंस बेटा आर फोर। तो अगर मैं नेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछूंगा तो नेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा बेटा आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वन प्लस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया टू प्लस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया थ्री प्लस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फोर। क्या ये बात क्लियर है? तो पहले मास का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, एम वन आर वन स्क्वायर, प्लस सेकेंड मास का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, एम टू आर टू स्क्वायर, प्लस थर्ड मास का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, एम थ्री आर थ्री स्क्वायर, प्लस फोर्थ मास का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, एम फोर आर फोर स्क्वायर, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, प्लस एम एन आर एन स्क्वायर। दिस विल बी द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आपको नेट रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम लोग इस तरीके से सोच विचार
कर सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है बेटा आपको? बिल्कुल। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके से निकलता है हम लोगों ने देखा। अगर आपके पास एक पॉइंट मास है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम आर स्क्वायर। अगर आपके पास मोर देन वन पॉइंट मास है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा सारी बॉडीज का? पहली बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस दूसरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस तीसरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सो ऑन। क्या इतनी बात क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। देखते हैं, थोड़ा सा सोच विचार करते हैं किस तरीके से हम लोग डील कर सकते हैं सिस्टम से। चलिए देखते हैं। अब हम लोग अगर बात करें कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम की, तो कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम दो तरीके के हो सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम कैसे हो सकते हैं? दो तरीके। जैसे पहले मान के चलता हूँ ये एक बॉडी है, अभी ये पॉइंट मास नहीं है, ठीक है? ये एक बॉडी है, ये है आपकी वाई वाई एक्सिस और ये है आपकी एक्स एक्स एक्सिस। कोई भी मैंने एक्सेस ले ली, ये वाली आपकी एक्सेस है एक्स एक्स एक्सिस और ये वाली एक्सेस है बेटा वाई वाई एक्सेस। क्या ये बात क्लियर है? मैंने एक छोटा सा पॉइंट मास लिया, सपोज करो मैंने एक मास को यहाँ पर काटा, ये मास है बेटा डीएम मास। कितना मास है ये? डीएम मास, ठीक है? अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, सपोज दैट मैंने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया ताकि मैं एक इंटरसेक्शन पॉइंट ले सकूं, दिस विल बी द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ओ, ठीक है? सपोज कीजिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आई, कौन सी एक्सिस के अबाउट निकालना है? वाई वाई एक्सिस के अबाउट निकालना है। ये वाई वाई एक्सिस कहाँ से पास हो रही है? ओ से पास हो रही है। सपोज कीजिए आपको ये निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस पासिंग फ्रॉम पॉइंट ओ, तो मैं क्या बोलूंगा? मान लेते हैं ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट है पी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। ये पूरी बॉडी जो है, इस पूरी बॉडी का मास है, सपोज कर लेते हैं इस पूरी बॉडी का जो मास है वो है कैपिटल एम। तो अगर मैंने इसमें से एक छोटा सा, कैसा? छोटा सा मास काटा जिसको हम लोग बोल रहे हैं पॉइंट मास। ये मास जो है इसका, इस पॉइंट का मास कितना होगा? मैंने मान लिया डीएम मास होगा, डिफरेंशियल मास है। अच्छा, इस मास के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं? एक्स कॉमा वाई। अब अगर मुझे इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई वाई एक्सिस के अबाउट निकालना है, कौन सी एक्सिस के अबाउट निकालना है? वाई वाई एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो मुझे इससे यहां से डिस्टेंस चाहिए होगी। ये डिस्टेंस कितनी मान ली मैंने? एक्स मान ली। तो बेटा ये डिस्टेंस, अगर ये एक्स कॉमा वाई पॉइंट है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? एक्स हो जाएगी। तो अगर मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछूं इस पॉइंट मास का कितना होगा, तो आप बोलोगे सर छोटा सा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी? डी आई। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डी आई? डी आई विल बी डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। डी आई विल बी डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। डी आई वाई वाई एक्सिस के अबाउट पासिंग फ्रॉम पॉइंट ओ इज इक्वल टू डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल सर, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है हमें यहाँ तक। अगर मैं इस मास की डिस्टेंस यहाँ से निकालूं, ये मास की डिस्टेंस यहाँ से हो जाएगी वाई डिस्टेंस, ठीक है? अगर मैं आपसे पूछूं डी आई कौन सी एक्सिस के अबाउट? एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट कहाँ से पास हो रही है? ओ से। कितना आएगा बेटा? देन आंसर इज फर्दर वेरी सिंपल आंसर, डी एम इंटू वाई स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? डी एम इंटू एक्स स्क्वायर एंड डी एम इंटू वाई स्क्वायर, दीज आर द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डी एम मास अबाउट वाई वाई एंड एक्स एक्स एक्सिस। दीज वाई वाई एंड एक्स एक्स एक्सिस आर पासिस फ्रॉम पॉइंट ओ। क्या इतनी बात की आपको क्लियरिटी आ रही है? बिल्कुल सही है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं एक और लॉजिक देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मुझे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस डी एम मास का अबाउट जेड जेड एक्सेस। जेड जेड एक्सेस आपको दिख नहीं रही है, लेकिन क्या इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जो आपको विजुलाइज हो रहा है? जेड जेड एक्सेस कहाँ होगी? इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जो आपको विजुलाइज हो रहा है। तो उस डीएम मास की डिस्टेंस उस जेड जेड एक्सेस से कितनी हो जाएगी? तो आंसर होगा सर, अगर मैं इसमें पाइथागोरस लगा दूंगा तो आर की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर। हाँ या ना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर मैं आपसे पूछूं डी आई जेड जेड पासिंग फ्रॉम पॉइंट ओ, तो आंसर क्या होगा? डी एम इंटू आर स्क्वायर, इट विल बी कम्स आउट टू बी डी एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस
dm into y square. अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखोगे बेटा तो मैं बोल सकता हूं डी आई जेड जेड पासिंग फ्रॉम पॉइंट ओ इज इक्वल टू डी आई वाई वाई पासिंग फ्रॉम पॉइंट ओ प्लस डी आई एक्स एक्स पासिंग फ्रॉम पॉइंट ओ. क्या ये बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां तक मैं निकालने में? नहीं सर. तो अगर मैं आपसे पूछूं ये एक रिलेशन आ गया, इसको आगे जाके हम लोग एक थ्योरम का भी नाम देंगे. इस थ्योरम को हम लोग बोलेंगे क्या? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम लोग समय के साथ पढ़ेंगे. मैं आपको बता भी चुका हूं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम. फिर भी मैं एक बार फिर से बताता हूं ये थ्योरम क्या है बेटा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. क्या इतनी बात क्लियर है? नो इश्यू विद दैट सर. अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मैं अलग कलर के पेन से लिखता हूं. अगर मैं आपसे पूछूं आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट पॉइंट ओ, तो आप क्या बोलोगे? सर मुझे इंटीग्रेशन करवा दो इस चीज का अबाउट पॉइंट ओ. डेट विल बी कम्स आउट टू बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू एक्स स्क्वायर. क्या इतनी बात क्लियर है बेटा? अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है y एक्सिस के अबाउट टोटल, तो आप क्या करोगे बेटा? इसको इंटीग्रेट कर दोगे. इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा? डी एम इंटू वाई स्क्वायर. क्या इतनी बात क्लियर है? अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है z z एक्सिस के अबाउट, तो आप बोलोगे सर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा किसका? आई z z अबाउट पॉइंट ओ. इट विल बी कम्स आउट टू बी डी एम इंटू आर स्क्वायर. क्या ये बात समझ में आ रही है? तो कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पॉइंट मास का ही फॉर्मूला लगाएंगे. एक छोटा सा एलिमेंट काट के पॉइंट मास का फॉर्मूला लगाएंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे ताकि हमें नेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल सके. क्या आपको ये बात क्लियर है बेटा? ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं. तो अब हम लोग कॉन्टिन्यूअस मास में कुछ स्टैंडर्ड ज्योमेट्री की बात करेंगे. कॉन्टिन्यूअस मास में कुछ स्टैंडर्ड ज्योमेट्री की बात करेंगे जिनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन को निकालने आने चाहिए. वो स्टैंडर्ड ज्योमेट्री क्या क्या होगी? सबसे पहली स्टैंडर्ड ज्योमेट्री होगी एक रॉड, ठीक है. दूसरी स्टैंडर्ड ज्योमेट्री होगी बेटा आपकी रिंग. तीसरी स्टैंडर्ड ज्योमेट्री जो होगी वो होगी आपकी डिस्क. चौथी स्टैंडर्ड ज्योमेट्री जो होगी बेटा वो होगी आपकी स्फेयर. अब स्फेयर भी दो तरीके के हो सकते हैं, या तो हॉलो हो सकता है या फिर सॉलिड हो सकता है. एंड लास्ट जो ज्योमेट्री की हम लोग बात करेंगे वो आएगा कोन. कोन भी बेटा दो तरीके के हो सकते हैं. कौन कौन से? या तो हॉलो हो सकता है या फिर सॉलिड. क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? हॉलो या सॉलिड कोई भी टाइप की ज्योमेट्री आपकी हो सकती है स्फीयर और कोन के केस में, ठीक है. ठीक है सर, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई. कॉन्टिन्यूअस मास मुझे समझ में आया किस तरीके से कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम बनता है. कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम, अब अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर भी दो केसेस आएंगे बेटा. सबसे पहले हर हर कॉन्टिन्यूअस मास ज्योमेट्री जो है उसमें हर केस में दो केसेस आएंगे. कौन कौन से केस आएंगे बेटा? सबसे एक पहला केस जो आएगा वो आएगा यूनिफॉर्म डेंसिटी का. यूनिफॉर्म डेंसिटी का. और एक दूसरा केस आएगा बेटा नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी का. सब चीजें समझें कैसे हम लोग कर रहे हैं. यूनिफॉर्म डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी जो होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट. डेंसिटी जो होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट. और नॉन यूनिफॉर्म के मतलब में डेंसिटी जो होगी वो क्या होगी? वेरिएबल. मतलब डेंसिटी वेरिएबल होगी, चेंज होगी, ठीक है. नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी. इसी तरीके से रिंग में भी फिर से दो केस बनेंगे. इसी तरीके से डिस्क में भी दो केस बनेंगे. इसी तरीके से हॉलो में भी दो केस बन सकते हैं. और इसी तरीके से सॉलिड में भी दो केस बन सकते हैं. स्फीयर के केस में कोन में भी दो केस बन सकते हैं और सॉलिड कोन में भी दो केस बन सकते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने आ जाएंगे बेटा? दो केस रॉड के, दो केस रिंग के, दो केस डिस्क के, सिक्स केसेस, सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन.
इस केसेस के अलावा आपके एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा, दैट्स माय गारंटी। ठीक है, ये सात केसेस वो सॉरी 14 केसेस के अलावा आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता, निश्चिंत रहिए। ठीक है, इसी में पूरी दुनिया मर्ज हो जाती है, खत्म हो जाता है रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट। कुछ कुछ मुद्दे वाली बातें हैं, कुछ कुछ समझना है हमें चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोगों को और सोच विचार करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं बात करता हूं टाइप ऑफ बॉडीज की, तब हम लोग इसमें कॉन्टिन्यूअस मास में आएंगे, ताकि आपको एक फीलिंग हो जाए। मैं एलिमेंट जब काटूंगा तो आपको पता होना चाहिए कि सर कैसे कैसे एलिमेंट को काटना है। सबसे पहले मैं बात करता हूं बेटा टाइप ऑफ बॉडीज की। तो बॉडीज कितने तरीके की हो सकती हैं? देन आंसर इज वेरी सिंपल, बॉडीज जो हो सकती हैं वो 3 डायमेंशन बॉडी भी हो सकती है, 1 डायमेंशन बॉडी भी हो सकती है, 2 डायमेंशन बॉडी भी हो सकती है। ये क्या होता है 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन बॉडी? सोचिए जरा, दिमाग पर जोर डालिए, थोड़ा सा सोचिए, व्हाट डू यू मीन बाई। जैसे मैं आपसे बोलूँ रॉड, रॉड 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है, शायद सभी लोग मुझे आंसर दे पाएंगे सोच के। रॉड इज अ 1 डायमेंशन ज्योमेट्री। 2 डायमेंशन ज्योमेट्री क्या है? जैसे मान लीजिए एक रिंग है, रिंग कौन सी ज्योमेट्री है? 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, सोचिए जरा, थिंक अबाउट इट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको फील दिलाएगा सब्जेक्ट की, टॉपिक की फील दिलाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं सोचिए थोड़ा। कौन सी डायमेंशन ज्योमेट्री है ये बेटा? थिंक अबाउट इट। तो ये जो रिंग होती है बेटा, ये भी 1 डायमेंशन ज्योमेट्री है। किसी ने अगर 2 डायमेंशन ज्योमेट्री सोचा है तो वो गलत है। रिंग कौन सी ज्योमेट्री होती है? 1 डायमेंशन ज्योमेट्री। ऐसा क्यों होता है, यही तो हमको सीखना है। डिस्क जो है, डिस्क जो है वो कौन सी डायमेंशन ज्योमेट्री होती है? सोचिए जरा, डिस्क कौन सी डायमेंशन ज्योमेट्री होगी? और स्फेयर जो है, मैं मान के चलता हूं ये एक स्फेयर है और ये हॉलो स्फेयर है और ये एक सॉलिड स्फेयर है। मान लीजिए मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं, ये एक सॉलिड स्फेयर है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर। मान लीजिए यहां पर एक कोन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये कोन जो है, ये वाली कोन जो है वो हॉलो कोन है। कौन सी कोन है? हॉलो कोन है। ये यहां पर एक और कोन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये कोन जो है वो कैसी कोन है? सॉलिड कोन है। बताइए जरा किसका क्या केस होगा? ये है डिस्क। बताइए डिस्क कौन सी डायमेंशन ज्योमेट्री है? ये भी 1 डायमेंशन ज्योमेट्री है, डिस्क है 2 डायमेंशन ज्योमेट्री। हॉलो स्फेयर कौन सी डायमेंशन ज्योमेट्री होगी? सोचिए, मैं आंसर लिख रहा हूँ, इट इज 2 डायमेंशन। हॉलो कोन 2 डायमेंशन, सॉलिड कोन 3 डायमेंशन, सॉलिड स्फेयर 3 डायमेंशन। तो ये अपनी ज्योमेट्री जो हो जाएंगी ये 3 डायमेंशन हो जाएगी और बाकी ज्योमेट्री जो हो जाएगी वो 1 डायमेंशन हो जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, अगर आपको ये इस चीज़ की फीलिंग आ जाएगी तो आप किसी भी प्रॉब्लम में, इवन यहाँ नहीं, इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी हम लोग ये पढ़ते हैं, एलिमेंट लेना, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेना, वहाँ पर भी हम लोग एक चीज़ निकालते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। जैसे यहाँ पर यूज़ हो रहा है वैसे ही वहाँ पर भी सारे कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे। ठीक है, तो अपना लेक्चर को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो अभी मैं बात करता हूं टाइप ऑफ बॉडीज, कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं 1 डायमेंशन होगी, 2 डायमेंशन होगी या 3 डायमेंशन होगी। तो बेटा 1 डायमेंशन ज्योमेट्री की कंडीशन होती है कि इफ 1 डायमेंशन ज्योमेट्री की कंडीशन होती है क्या? इफ द 2 डायमेंशन, इफ 1 डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इफ वन एनी 1 डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मच मच लार्जर देन, अदर 2 डायमेंशन और वी कैन से दैट इफ द मास
इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वन डायमेंशन, देन वी कैन से द बॉडी इज वन डायमेंशन, और मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली, मास इज डिपेंडेंट अपॉन वन पैरामीटर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वन डायमेंशन ऑब्जेक्ट। जैसे जैसे अगर मैं रॉड की बात करूं, ये है आपकी रॉड। रॉड की स्पेशलिटी ये होती है कि जो इसकी थिकनेस होती है वो बहुत कम होती है। सपोज कीजिए ये अपन ने रॉड बनाई है, लेकिन इसकी जो लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं, सर इसका जो भी मास है, इसका जो भी मास है वो इसके लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसीलिए इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, वन डायमेंशन ऑब्जेक्ट। क्या इतनी बात क्लियर है बेटा, वेरी गुड। अगर मैं बात करूं टू डायमेंशन ऑब्जेक्ट की तो क्या हो जाएगा बेटा, अच्छा जैसे आपकी रिंग है, रिंग कैसे सर वन डायमेंशन हो गई। अगर आप रिंग को खोलोगे तो क्या बन जाएगा, एक एक रॉड बन जाएगी। अगर आप रिंग को खोलोगे तो क्या बन जाएगी, एक रॉड बन जाएगी। रॉड कैसी ज्योमेट्री है, वन डायमेंशन ज्योमेट्री है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोल सकता हूँ रिंग का जो भी मास होगा वो इसके इस रीजन पर डिपेंड कर रहा होगा, इसकी लंबाई पर, 2 पाई आर पर डिपेंड करेगा, ठीक है, एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ पर हम लोग निकालते हैं लीनियर डेंसिटी। कौन सी डेंसिटी बेटा, लीनियर डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, एम अपॉन एल। लीनियर डेंसिटी हम लोग निकाल सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एम अपॉन एल, दैट इज ऑल्सो बी रिटेन एज डी एम बाई डी एक्स। लेंथ से निकाल रहे हैं, डी एम बाई डी एक्स लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। टू डायमेंशन ऑब्जेक्ट को कैसे लिख सकते हैं, इफ द वन डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इफ द वन डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मच स्मॉलर देन द अदर टू डायमेंशन, कॉमा देन सच ए बॉडी इज नोन एज, सच ए बॉडी इज नोन एज टू डायमेंशन। यानी कि अपन ऐसा भी बोल सकते हैं जो मास होगा इसका वो इस बार लेंथ पर नहीं एरिया पर डिपेंड करेगा। जैसे जैसे डिस्क, डिस्क डिस्क की फीलिंग आती है जैसे अगर आपने मान लीजिए वो देखा हो सीडी प्लेयर की जो डिस्क होती है, सीडी की जो डिस्क होती है, डीवीडी प्लेयर की जो डिस्क होती है, जो आप सिस्टम में यूज़ करते हैं, लैपटॉप में यूज़ करते थे कभी किसी ज़माने में, अब तो पेन ड्राइव का ज़माना है, हमारे लोग, हम लोग बहुत यूज़ करते थे उसको, तो मूवीज़ वगैरह हम लोग वहीं से लेके आते थे। वो जो डिस्क होती है उसको, वो डिस्क की जो थिकनेस होती है बेटा वो बहुत कम होती है। तो अगर आपकी थिकनेस, जैसे आप प्लेट मान लीजिए घर पर आपके, अगर एक सपोज कीजिए आपके घर पर एक प्लेट है, तो उस प्लेट की जो थिकनेस होगी वो बहुत कम होगी एज कंपैरिजन टू द एरिया, ठीक है। तो ऐसी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, टू डायमेंशन ऑब्जेक्ट। जैसे स्फीयर हो गया, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर के अंदर कुछ नहीं है, जो भी है वो इसका सरफेस एरिया है, वॉल्यूम, नो डाउट इट्स ए वैकेंट वॉल्यूम जिसको ऑक्यूपाई किया है एयर ने, लेकिन अगर मैं बात करूं तो जो भी मास है वो कहाँ पर है, पूरा का पूरा एरिया पर है। जैसे कोन हो गया, कोन का जो भी मास है वो कहाँ पर है, पूरा हॉलो कोन की बात कर रहा हूं मैं, जो भी मास है वो कहाँ पर है, पूरा सरफेस पर है, एरिया एरिया पर है। तो इस टाइप के केसेस में हम लोग, टू डायमेंशन के केसेस में हम लोग निकालते हैं बेटा सरफेस डेंसिटी। क्या निकालते हैं, सरफेस डेंसिटी। ये क्या होता है सरफेस डेंसिटी, इट इज डिफाइंड एज सिग्मा डेट विल बी मास पर यूनिट एरिया, डीएम बाई डी ए, डीएम बाई डी ए मास पर यूनिट एरिया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सरफेस डेंसिटी के बारे में थोड़ा बहुत सोच विचार कर सकते हैं। क्या आपको ये बात क्लियर है, ठीक है, सारे पॉइंट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहे होंगे, आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अगर आती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में आपके साथ वो चीज़ें सारी डिस्कस कर सकूं जहां पर भी आपको प्रॉब्लम आई हो, ठीक है। अब मैं बात करता हूं थ्री डायमेंशन ऑब्जेक्ट। तो थ्री डायमेंशन ऑब्जेक्ट अब आपको समझ में आ ही गया होगा क्या होती होगी। अगर तीनों डायमेंशन
कंपेयरेबल है, जैसे क्यूब हो गया, स्फेयर हो गया, कोन हो गया, सॉलिड कोन, सॉलिड स्फेयर, ये सारी ज्योमेट्री जो हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, थ्री डायमेंशन। अपन इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इफ द ऑल द थ्री डायमेंशंस इज कंपेयरेबल। कॉमा देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एग्जाम्पल। क्या क्या हो जाएंगे बेटा, एग्जाम्पल हो जाएगा आपका क्यूब, कॉमा हॉलो क्यूब नहीं है ये, सॉलिड क्यूब है, मैं सारी सॉलिड की बात करूंगा, सॉलिड स्फीयर, कॉमा सॉलिड कोन एक्सेट्रा, ठीक है एक्सेट्रा। तो आपको होप, मैं अगर बात करूं थ्री डायमेंशन ऑब्जेक्ट के लिए, तो आप क्या निकालते हैं, वॉल्यूम डेंसिटी, जिसको हम लोग सिंपली डेंसिटी बोलते हैं, वॉल्यूम डेंसिटी। इसको डिनोट करते हैं किससे बेटा, रो से। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और मैं लिखूंगा डीएम बाई डीवी। होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि मैं जब भी किसी ऑब्जेक्ट को लेता हूं तो उसके पीछे पूरा एक रीजन होता है, पूरा एक लॉजिक होता है, कैसे मैं ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना चाहता हूं। क्या इतनी बात क्लियर है? सो डेट्स ऑल फॉर टुडे, हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। छोटा सा इंट्रोडक्शन और है वो मैं आपको देता हूँ, और आज की क्लास को यहाँ पर क्विट करता हूँ। होप सो आपने अभी तक हमारे लेक्चर को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे लेक्चर को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर आप अपने कमेंट करके मुझे बताएं आपको लेक्चर्स कैसा लगा और आपके कौन से टॉपिक वीक हैं, ताकि मैं उसी डायरेक्शन में आपके साथ मेहनत कर सकूं, ठीक है। आप हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, जो कि लिंक जिसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि आज अभी जैसे मैंने जो भी लेक्चर लिया है इसके नोट्स आपको वहीं पर अवेलेबल होंगे, इसकी डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर आपको वहीं पर अवेलेबल होंगे, ताकि आप देख सकें, आप अपनी पढ़ाई कर सकें। मैं वहीं पर सारी चीज़ें आपको दूंगा। आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, माई कोड इज़ यश वन टू गेट एडिशनल 10% डिस्काउंट, और होपफुली हम लोग जल्दी अनएकेडमी के ऐप पर लाइव क्लासेस देखते हुए मिलेंगे, ठीक है। डेट्स ऑल फॉर टुडे, ये बेल आइकन है इसको हिट करके रखें, ताकि मेरी कोई भी क्लासेस आपकी मिस ना हो। थैंक यू व्यूअर्स।